नमस्कार, स्वागत है आपका सैम्स डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पे। ये आज हमारे फार्म में के पीछे के भाग में दो तीन कुत्ते भौंक रहे थे, और जिसे हम रोज बोलते हैं नील गाय, उसका बच्चा भी बोल रहा है। जैसे कोई छोटा हमारे गाय का बच्चा बोल रहा है, ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो जाके देखा तो तीन चार कुत्तों ने एक नील गाय के बच्चों को पकड़ लिया था। तो कुत्तों को भगा के बच्चे को ले आए और डॉक्टर के पास ले गए, उसकी दवाई लगाए भाई, इंजेक्शन लगवाए, और अभी वो ठीक हो रहा है। मैं दिखाता हूँ उसको, मक्खी या कुछ नहीं बैठे, ऐसे लिए दवाई और दवाई लगा रहे हैं। ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, और कुत्ते ने दांत बैठा दिया है दो तीन जगह पे। तो दो तीन दिन यहाँ रखेंगे, थोड़ा ठीक हो जाए फिर उसको उसकी माँ के साथ छोड़ देंगे। उसकी माँ दिन में दो दफा आके देख जाती है कि यहाँ है ना। ये हमारे खेत के पीछे हमने नीचे बांध रखा था और ध्यान रखा था कि कोई कुत्ता दोबारा नहीं आ जाए। तो उसकी माँ आके दो दफा दूध पिला गई है इसको। उसकी माँ को पता है यहाँ है बच्चा, सेफ है। ये ठीक से चल भी नहीं पाता, कि पिछले पैर में कुछ या तो जन्मजात प्रॉब्लम होगा या कुत्ते ने पकड़ा उसी वक्त, या कुछ सुगंध जैसा दिख रहा है। वहाँ भी सूजन है, और गर्दन पे दांत बिठा दिए हैं कुत्तों ने, क्योंकि हमेशा शिकारी कुत्ते या कोई भी प्राणी गर्दन ही पकड़ते हैं, गर्दन पे भी सूजन दिखती है। ये बिठा दिन से थोड़ा साफ करके ट्यूब लगा देंगे, मक्खी नहीं बैठे, मैकेट नहीं लग जाए, और थोड़े दिन के बाद ठीक हो गए छोड़ देंगे उसके माँ के साथ। वो तो चला जाएगा थोड़ा तैयार होगा तो। देखो अभी ये कैसे करता है, देखो ओके। ठीक से चल नहीं सके तब तक छोड़ेंगे तो फिर से कुत्ते मार देंगे। बचा ही लिया है तो थोड़ा ठीक हो गए, पूरा ठीक हो जाए बाद में वो चल सके, अपनी रफ्तार से भाग सके, ऐसा हो जाए तब तभी छोड़ेंगे। विजय वो ट्यूब रहने दे, दूसरी ट्यूब ले ले। ये ज़्यादा असरदार है, ये फीडबैक कंपनी की है, कंपनी भी अच्छी है और दवाई भी अच्छी है। ट्यूब कल खत्म हो गई थी, ये आज ये इसकी इंजरी देख के ले आए दवाई, नई ट्यूब लाई। आज थोड़ा दोपहर के बाद थोड़ा चल फिर सकता है, ऐसा दिखता है हमको। तो गर्दन के पास सूजन भी थोड़ी कम हो गई है। इसको बचाया है तो विजय नहीं, ये जो यहाँ काम कर रहा है, और विजय को बचाया दूसरे कुत्तों और इसकी माँ से, हमारे दो कुत्तों ने, हमारी करेरा और एंजो ने, क्योंकि इसको दोनों को छोड़ दिया। तो कुत्ते देख लिए तो समझ में आ गया कुछ है बुबा, तो कुत्तों को साथ लेके ही गया था और दूसरे कुत्तों से छुड़वा के ले आए, क्योंकि वो रखड़ू कुत्ते थे जैसे आवारा। या दोपहर के बाद थोड़ा ठीक हो गया है, वो दवाई की असर हो गई है और घाव भी ठीक हो गए है। उसको एंटीबायोटिक दिया, पेन के लिए भी दिया, क्योंकि
थोड़ा ठीक हो गया है तो ये अपने पैरों पे खड़ा है, सुबह में खड़ा भी नहीं हो पाता था। और लगता तो है 2-3 दिन में ही घाव भर जाएंगे, क्योंकि ये जंगली प्राणियों में ऐसा थोड़ा होता है। और उसकी माँ दूध पिलाती है तो और कोई तकलीफ नहीं है। वैसे हम भी हमारे खेत में से रोज भगाते हैं इन गाय को, ये मक्खी नहीं बेचते इसके ऊपर, इसके लिए स्प्रे है। और ये घाव भी जल्दी भर देगा, खून अभी कहीं बहता नहीं है तो तुरंत ही लगा दिया था दवाई तो वो तो सब बंद हो गया। तो ये थोड़ा चसरेगा, स्प्रे है ना, क्योंकि अभी रात में तो मक्खियां नहीं बैठेगी। देखो ये दवाई का असर कितना हुआ है इसके ऊपर, ये जलेगा इसलिए थोड़ा संप कर रहा है। ऐसे कोई किसान या हम खुद हमारे खेत में नील गाय ब्लू बुल इसको रखने का पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी गायों के लिए जो चारा उगाते हैं खेड़ों जो उसके लिए जो भी बोता है, कोई भी फसल है इसमें ये नुकसान करता है, क्योंकि ये आवारा ही है समझो, जंगली प्राणी है। लेकिन बच्चा है और इंजर है तो हमें थोड़ी दया आ रही है, कभी भले हमारे खेत में नुकसान भी कर सकता है, उसकी माँ है उसका बाप भी होगा, नुकसान कई बार करता है। हम इसको खेत में रखते हैं जहाँ बांध के, तो वहाँ उसकी माँ थोड़ी थोड़ी देर में आती है देखने और दूध पिलाने भी दिन में 2 दफा आ जाती है, और हमको भी ध्यान रखना पड़ता है दोबारा सूखा नहीं आ जाए। दूध पहले तुरंत हम यहाँ ले लेते हैं, ऐसा 3-4 दिन उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी माँ हमारे खेत में घूमती रहती है तो हमारा थोड़ा नुकसान भी कर रही है। आशा रखें कि हम ये जल्दी ठीक हो जाए तो हम उसको जल्दी आज़ाद कर दें और हमारे खेत का नुकसान भी थोड़ा कम हो गए, वो चला जाए अपनी माँ के साथ। ये बच्चा हम लेने जावे वो हमसे कुछ नहीं बोलती उसकी माँ, पर ना इसके बच्चे के पास कुत्ता भी जाए तो उसकी माँ सामने हो जाती है। पहले हमारे खेत में ऐसे ये नीलगाय हम देखे तो कुत्ते छोड़ते हैं, तो बच्चे वाली माँ है तो कुत्ते को यहाँ तक छोड़ जाती है, पीछे होती है, लेकिन हमारे पीछे इसलिए नहीं होती, उसको पता चल गया कि इसकी सारवा कर रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं। बेटा दे अब भले कोने में चला जाए, छोड़ दे अपने आप जाने दे, देखो आज चल दोपहर के बाद चल फिर रहा है, कहते अभी ठीक हो गया, लेकिन यहाँ रहना है उसको, जाना नहीं है। उसकी माँ के साथ भी खुला कर दे तो भी नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है। हाँ उसकी माँ दूध पिलाने के बाद चली जाती है, इसको पता है यहाँ रहूँगा तो सेफ रहूँगा। हमारे फार्म में दो लोग कर रहा है इनको, जो मैंने पहले बताया उसने इसको छुड़वाया विजय के साथ जाके, तो वो दोनों इसको कुछ नहीं करते, उसके बच्चे के पास जाके ये करेरा के पास जाके बच्चा बैठ जाता है, उसको पता है ये डॉग कुछ नहीं करेगा, किसी को पास भी नहीं आने देते वो दोनों। उसकी रक्षा में ऐसे कोई है समझो, ये गूस है, ये मंकी आते हैं, कुछ भी आते हैं तो करेरा मंकी को भगाता है, लेकिन घूस को कुछ नहीं करती, क्योंकि उसको पता है ये फार्म में रहने वाले हैं। जैसे
वो पिजन है। हमारे फार्म में कितने सारे मोर है, पीकॉक, उसको हम दाना देते थे तो हमारे डॉग उसके साथ घूमते थे, उसको भी कुछ नहीं करते। हमको ये जब बोते हैं हम ज्वार मक्की, तो हमको इसकी रक्षा के लिए हमको खुद दौड़ना पड़ता, हमारे कुत्ता उसके पीछे नहीं दौड़ते, क्योंकि हमने उसको ऐसा सिखाया है कि भाई इसको नहीं मारने का। जैसे ही ये बच्चे को करेरा एंजो कुछ नहीं करेंगे, उसका रक्षा करेंगे, जैसे गूस की करते है, पिजन की करते है, वो हेन है उसके भी रक्षा करते हैं।